a style week, and I don't know if it has happened before or not, but I have witnessed for the first time. See, when the designers, they design and they make your costumes, and जो मेन उसके बाद रोल आता है वो स्टाइलिस्ट का आता है, बिकॉज कॉस्ट्यूम बन जाते हैं उसके हिसाब से, यू हैव टू डू हेयर डू एक्सेसरीज यू नो एंड ऑल दोस थिंग्स यू नो दे मैटर अ लॉट, सो हाउ टू स्टाइल देम, सो दिस इज स्टाइलिस्ट वीक एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. एक सवाल आई थिंक विक्रम ही आंसर कर पाएंगे, मैं काफी शोज कर चुकी हूँ विक्रम के लिए और हमेशा वो मुझे एक ऐसे इंडियन मतलब अवतार में ड्रेस अप करते हैं, व्हिच आई लाइक वेरी मच. लेकिन आई थिंक ड्रेस के बारे में विक्रम ही आंसर. विक्रम जी डिटेल में बताइए. पूरा कलेक्शन जो नजाकत तक का था वो पूरा बेज गोल्ड और ब्लैक में था. मलाइका हैज़ ऑलवेज बिन वेरी वेरी स्पेशल, उसकी प्रेजेंटेशन हमेशा मेरे शोज में काफी अलग रही है. तो आज एक सिंपल सी ग्रीन कलर की साड़ी थी, कली साड़ी थी जो एक लहंगा का इफेक्ट देता है. मलाइका ने पहली बार एक रैंप में मेरे लिए एक कली साड़ी पहनी है, तो इट वाज समथिंग डिफरेंट एंड आई थिंक एवरी टाइम एक नया लुक सेटअप होता है तो शी ऑलवेज आउटडज हर प्रीवियस टाइम. व्हाई नॉट मलाइका? शी इज माई सोलमेट. माई रिलेशनशिप विथ हर गोज बियॉन्ड क्लोथ्स. शी इज ऑलवेज अ फोन कॉल अवे फॉर मी. आई डोंट थिंक इंडियन फैशन इज इंडियन फैशन विदाउट एन आइकॉनिक फेस लाइक मलाइका अरोरा. आई थिंक नॉट इन माई क्लोथ्स बट आई थिंक शी सेट्स ओन स्टैंडर्ड्स एज फार एज स्टाइल एंड फैशन गोज. सो आई यू नो इट्स अ फेदर इन माई कैप एवरी टाइम मलाइका वॉक्स फॉर मी. फैशन ट्रेंड्स तो मैं ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ. आई बिलीव दैट क्लोथ शुड बी मूड ड्रिवन. जो आपको पसंद है आपको पहनना चाहिए. इतना मतलब ट्रेंड्स के बारे में आई एम नॉट समबडी हु फॉलोज ट्रेंड्स सो मच. एंड आई एम वेरी लकी कि इतने सारे जो डिजाइनर फ्रेंड्स हैं मेरे, आई ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू वेयर द लेटेस्ट एंड द बेस्ट बिकॉज ऑफ